In this chapter, Nationalism in Europe, this chapter starts with a picture, source-based question, and Frederick Soriot. So, आप ये सोचो कि फ्रेडरिक सोरियो अगर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, अगर वो सोर्स बेस्ड आता है, और अगर पिक्चर बेस्ड आता है तो ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू मेक प्रॉपर पॉइंट्स, लाइक जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और ईयर वाइज आते हैं. तो हर पेज के अकॉर्डिंग अब हमने प्रॉपरली वर्क करना है कि अगर इस पेज में से क्वेश्चन किसी भी तरह से आता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे आता है. ठीक है, तो बेटा जितना भी डिस्कशन साइड बाय साइड रोज होगी तो आपने हर रोज आपने उसकी रीडिंग करनी है. कोई भी डाउट आपको है रिगार्डिंग एनी वर्ड और एनी लाइन और एनी पैराग्राफ, साइड बाय साइड यू कैन आस्क नेक्स्ट डे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं उसी टाइम आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ताकि नेक्स्ट पेज के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रेडी हो. और ये तभी होगा जब आप घर जाकर थोड़ा सा एफर्ट करोगे, आपने रीडिंग करनी है, रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग. रीडिंग करने के बाद उसको प्रॉपरली आपने इवेंट्स को भी एनालाइज करना है साथ में, कि कौन सी इवेंट्स पहले हुई ईयर के अकॉर्डिंग, उस इवेंट में मेन सेंटर जिस्ट क्या है उस पेज का, उस पैराग्राफ का, और ताकि अगर आपको कोई भी मैथ का कॉलम आता है तो आपको इवेंट्स जो है वो ऑर्डर में याद. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट द टॉपिक जस्ट आई हैव इंट्रोड्यूस. मैं आपको ये टॉपिक वैसे ही करवा रही हूँ जैसे मैंने को फर्स्ट टाइम करवाया था. ठीक है, नो डाउट वी हैव डिस्कस दिस चैप्टर सो मेनी टाइम्स, बट टुडे आई विल स्टार्ट द चैप्टर सेम एज आई हैव स्टार्टेड फर्स्ट टाइम. ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो ईयर 1848. इस ईयर में फ्रेडरिक सोरियो ने जो एक सीरीज का मतलब होता है, वैसे तो उसके फोर प्रिंट से, लेकिन आपकी बुक में बेटा जो पिक्चर है दैट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट प्रिंट. ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंट से रिलेटेड है. और फ्रेडरिक सोरियो कौन से आर्टिस्ट थे? फ्रेंच आर्टिस्ट. एमसीक्यू क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, उसकी नेशनलिटी पूछी जा सकती है, ईयर याद करो. ठीक है, देन नेम ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो. ठीक है, देन कितने प्रिंट्स की सीरीज उसने प्रिंट की थी? सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स. एंड इन योर बुक विच प्रिंट इज टेकन फ्रॉम, कौन सा प्रिंट लिया गया है? फर्स्ट प्रिंट को प्रॉपरली इलेबोरेट किया गया है. एंड व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दैट प्रिंट? दैट इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. उस पिक्चर का जो हेडिंग है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. अब ये पिक्चर रियल में कभी नहीं हुई, ये सिर्फ एक विजन था. विजन का मतलब क्या होता है? ड्रीम. एक ऐसी सोसाइटी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो पेंटर जो है वो सोचता है, इमेजिनेशन को आपने आपके सामने लेकर आया है, जिसमें वो इमेजिन कर रहा है कि यूरोप की अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी नेशनल ड्रेस, अपने अपने फ्लैग के साथ मार्च पास कर रही हैं, और जिसमें एक आइकॉनिक का मतलब क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो इंडिपेंडेंस को शो करता है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद जितनी भी कंट्रीज हैं वो ये शो करती है कि उन कंट्रीज में वो मनार्की से फ्री हो गई, और जितनी कंट्रीज पीछे हैं इट मीन्स उन कंट्रीज में अभी भी एब्सोल्यूट मनार्की है. वो कहीं ना कहीं अपनी कंट्रीज में अपने किंग्स के अंडर हैं और उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिले. जो कंट्री बिल्कुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास है, इट मीन्स वो कंट्री न्यूली 1848, आपने 1848 जुलाई रिवोल्ट पढ़ा था जिसमें फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, इसका मतलब है कि वो कंट्री रिसेंटली अभी उसको इंडिपेंडेंस मिली है, वो मनार्की से फ्री हुई है, तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास है, फ्लैग होल्ड किया है, साथ में कुछ लोग दिखाए गए. इसके बिल्कुल सामने दिखाया गया है कुछ स्केलेटन्स. ये स्केलेटन पीसेस ऑफ स्केलेटन्स दिखाए गए हैं. ये स्केलेटन्स किसके हैं? मोनार्की सिस्टम के, यानी कि ये शो किया है कि जैसे जैसे कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज आगे बढ़ गई हैं, उन्होंने अपने पैरों के नीचे मोनार्की को दबाकर आगे चली गई है, यानी कि उनकी कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम खत्म हो गई. ठीक है, और ये जस्ट दिखाया गया है कि स्केलेटन्स का मतलब होता है कि अब वो जो है वो कंट्रीज उनकी कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता. सेम अगर 1848 में देखा जाए तो जुलाई रिवोल्ट जब पेरिस में हुआ था तो पेरिस में 1848 के बाद मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक फॉर एवर. तो ये उस पर्टिकुलर पेंटिंग का थीम जो है. आपको किसी भी तरह से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आए, आपको ये आइडिया होना चाहिए, उसके बाद जो भी पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ से रिलेटेड आप आंसर दे सकते हो. समटाइम्स आंसर विल नॉट बी इन द पैराग्राफ, लेकिन आपने जब रीडिंग करोगे प्रॉपर तो आपके माइंड में ये जो है वो पॉइंट्स होने चाहिए. इन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आप मैथ्स और कॉलम्स कर सकते हो, या सीरियल ऑर्डर में कर सकते हो, या स्टेटमेंट बेस, अगर कोई भी स्टेटमेंट है उसको फिलअप फॉर्म में भी आ सकता है. ठीक है, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको पता है कि यहाँ पे ये वर्ड जो है ये वर्ड आना चाहिए, तो फिलअप फॉर्म में भी आंसर आ सकता है. ठीक है, देन इसमें बेसिकली
पूरी पिक्चर में दो मेन कॉन्टिनेंट्स के जो लोग दिखाए गए, फर्स्ट इज यूरोप, सेकंड इज अमेरिका। तो मेन जो पिक्चर है दैट इज, क्योंकि हम यूएसए, यूएसए आगे निकल चुका है और बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूरोप। अगर आपसे ये पूछा जाए दो कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, यूएस अमेरिका, क्योंकि उस टाइम पीरियड में अमेरिका एंड यूरोप दो कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, नहीं नॉर्थ साउथ नहीं है, अमेरिका का नाम बताना आपने, ठीक है। एंड मार्चिंग, मार्चिंग इन अ लॉन्ग काइंड ऑफ लॉन्ग ट्रेन, मार्च पास्ट है। मार्च पास्ट का मतलब होता है कि जस्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि वो एक परेड है, एक मार्च पास्ट जो है वो दिखाया है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो क्या शो करता है, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी शो करता है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट, ओके। स्टैचू ऑफ लिबर्टी होल्डिंग इन वन हैंड टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑन द अदर हैंड चार्टर ऑफ राइट्स। क्या है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट का मतलब है नॉलेज, एंड दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट। चार्टर ऑफ राइट का मतलब, चार्टर का मतलब एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर कुछ राइट्स लिखे गए। इसका मतलब क्या है कि यूएसए एंड स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज अगर उसको क्रॉस करके आगे जा रही हैं, इट मीन्स वो अपनी कंट्रीज में वहां के लोग लिटरेट हो चुके हैं, उनको नॉलेज मिली, वो अपनी अपनी कंट्रीज में रेवोल्यूशन लेकर आए, और सेकेंड थिंग उन कंट्रीज में उन लोगों को क्या मिले हैं, राइट्स। लेकिन जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बहुत पीछे हैं उन कंट्रीज में शायद अभी नॉलेज नहीं आई है, और इसीलिए वहां पे राइट्स भी नहीं है, और इसीलिए शायद वो लोग अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि वो अपनी कंट्री में रेवोल्यूशन प्लान कर। ये मतलब है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दोनों जो आइकॉनिक सिंबल्स हैं। इसी तरह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रेंच रेवोल्यूशन में फीमेल फीमेल एलिगरी बनाया गया है। इसको एलिगरी का मतलब क्या होता है, जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या होता है कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को हम मेल और फीमेल में नहीं दिखा सकते, वो जस्ट उन्होंने वैसे एक स्टैचू बनाया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये, फ्रीडम, जो फ्रीडम को शो करता, ठीक है। देन एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम क्या होता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट अगर हम कहते हैं कि ये चीज बिल्कुल एब्सोल्यूट है तो हम कहते हैं कि परफेक्ट है, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को बोलते हैं तो उस रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसपे किसी भी तरह की कोई भी, हम उसके ऊपर किसी भी तरह से हम उसको अपोज नहीं कर सकते। तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोनार्की सिस्टम या ऑटोक्रेटिक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें आप किंग को या नॉबल्स को क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो, उनको चेंज नहीं कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट मोनार्की। तो आपकी बुक में फर्स्ट पेज में जो एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या है, ऐसी गवर्नमेंट दैट इज नॉट आंसरेबल, ये ऐसी गवर्नमेंट होती है जो आंसरेबल नहीं होती है, जैसे लुई 16 की गवर्नमेंट थी, या फिर आपने बहुत सी ऐसी, फॉर एग्जांपल डिक्टेटर जो है वो हिटलर का पढ़ा है आपने, ही वाज नॉट आंसरेबल, उसकी भी एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूट का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ मोनार्की होती है, एब्सोल्यूट किसी भी सेंस में हो सकता है जिसमें रूलर जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आंसरेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये एक दो मीनिंग है, एक है यूटोपियन और एक है एब्सोल्यूट। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया का मतलब एक ऐसा विजन जो रियल में नहीं है, सोसाइटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट आप इमेजिनेशन के बेसिस के ऊपर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और उसके बेसिस के ऊपर जो पेंटर्स हैं उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, दैट इज गिवन द नेम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। एंड हु इज लीडिंग इन दिस मार्च पास्ट, कंट्रीज के नेम आपको याद है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट लीडिंग कंट्री वॉज, फर्स्ट लीडिंग कंट्री यूएस, यूएसए वॉज अ फर्स्ट लीडिंग कंट्री, एंड इन दिस मार्च पास्ट सेकेंड लीडिंग कंट्री वॉज, इट मीन्स यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, दीज टू कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट, एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वर बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है थर्ड नंबर पे कौन सी थी, फ्रांस। इसका मतलब है कि फ्रांस को अभी अभी नई नई लिबर्टी मिली, इसलिए वो 1848 में बिल्कुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास दिखाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में, आपको प्रॉपर डिटेल में पता होना चाहिए कि कंट्रीज जो हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनके कुछ सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। नंबर वन यूएस स्विट्जरलैंड, क्या ये उस टाइम पर में नेशन स्टेट बन चुकी थी, यस, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्रॉस कर चुकी थी, इसका मतलब वो कंट्रीज, यूएसए नेशन बन चुका था, स्विट्जरलैंड भी नेशन बन चुका था, फ्रांस अभी नया नया बना है, तो फ्रांस अभी नेशन स्टेट नहीं बना था क्योंकि उसको अभी न्यूली इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो इस पूरे पिक्चर में कौन सी दो कंट्रीज हैं जो नेशन स्टेट बन चुकी थी, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। सेकंड सेकंड आपने बताना है विच कंट्री जस्ट अप्रोचेबल नियर टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फ्रांस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जर्मनी, जर्मनी के थ्री कलर्स आपने याद रखने,
जर्मनी का जो फ्लैग है उस टाइम पीरियड में, जर्मन फ्लैग रेड गोल्ड, जर्मन के लोगों ने उस टाइम पीरियड में कौन सा फ्लैग पकड़ा हुआ है, क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट इंडिपेंडेंट उस टाइम पीरियड में, उनकी कंट्री में अभी भी मोनार्की सिस्टम था, वो अभी भी डेमोक्रेटिक या नेशन नहीं बने थे, तो उनके आपको सिंबल्स याद करने हैं एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग, आपको फ्लैग का कलर आ सकता है ब्लैक रेड एंड गोल्ड, कलर ऑफ देयर फ्लैग दोज हु वर होल्डिंग इन देयर हैंड्स। नेक्स्ट, इसके पीछे विच कंट्रीज वर बिहाइंड द जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड किंगडम ऑफ टू सिसलीज, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के पीछे किंगडम ऑफ टू सिसलीज, ऐसे आपको कंट्रीज के बेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तो बोर्ड एग्जाम है ना, तो हम आपको कुछ भी नहीं हम कह सकते कि बेटा आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है, वी कैन जस्ट गिव यू सजेशंस, वी कैन गिव यू डायरेक्शंस, एंड कंट्रीज जो है एनी कंट्री कैन कम। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको ये बताया लाइक मैनी कंट्रीज वर बिहाइंड, उनके पीछे बहुत सी कंट्रीज थी, तो उन कंट्रीज के जस्ट नेम लिखो ताकि आपको पता होना चाहिए कि उन कंट्रीज के पीछे वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द बुक दीज इंफॉर्मेशन कैन कम इन एनी फॉर्म। तो एक चैप्टर है, उस एक चैप्टर की रीडिंग हर रोज करो, पेज करो, पेज वाइज रीडिंग करो, पैराग्राफ वाइज करो, ताकि प्री बोर्ड तक आते आते आप पूरा चैप्टर जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए आपको, ठीक है। लोम्बार्डी, यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ कंट्रीज, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी के पीछे पोलैंड, पोलैंड, देन इंग्लैंड, इंग्लैंड तो मोनार्की क्योंकि वैसे ही उस टाइम पर में डेमोक्रेसी तो थी नहीं वहां पे, आयरलैंड, आयरलैंड, देन हंगरी, हंगरी एंड रशिया, रशिया। तो ये कंट्रीज उस मार्च पास में बहुत पीछे थी। सीक्वेंस आपको याद करना है, मेन आपने लीडिंग कंट्रीज याद रखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास करो, उन कंट्रीज का नेम बताओ जो उनके पीछे है, ठीक है। अब एक और इसमें मिस कर दिया हमने, क्या मिस किया है, ब्लेसिंग्स, हु वर गिविंग, हु वाज गिविंग ब्लेसिंग्स, जीसस क्राइस्ट, हेवनली बॉडी। तो मतलब एक तरह से हमने ये दिखाया है कि इसमें यूरोप और अमेरिका में मेन उस टाइम पर में क्रिश्चियन रिलीजन कौन सा था, क्रिश्चियनिटी, एंड वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सबको, यूनिटी एंड ब्रदरहुड, ताकि सभी लोग आपस में मिलकर रहें, वॉर ना हो, तो दीज काइंड ऑफ फ्रेटर्निटी ब्लेसिंग्स फॉर ब्रदरहुड दे वर गिविंग। तो दिस वॉज अ जिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, दैट इज फ्रेडरिक सॉरियो, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, नेशन स्टेट, एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मीनिंग, सिंपल मीनिंग होता है नेशन स्टेट, अगर वन अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, या नेशन स्टेट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि नेशन स्टेट क्या होती है। तो नेशन स्टेट दैट इज अ एरिया इन विच मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स डेवलप सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक ऐसा एरिया जिस एरिया में सिटीजन्स के बीच में आपस में कलेक्टिव आइडेंटिटी कॉमन होती है, वो लोग एक जैसे होते हैं, उनका कल्चर एक जैसा होता है, उनकी आइडेंटिटी एक जैसी होती है, ठीक है, उनकी हिस्ट्री भी एक जैसी होती है। देखा जाए तो हम इंडियन जो है, हमारा इंडिया नेशन अब बना है, हमारी हिस्ट्री कॉमन है। अगर इंडिया का नॉर्थ, वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं, सभी लोगों की हिस्ट्री कॉमन है, क्योंकि हम सबने 300 years, 400 years ब्रिटिशर्स के अंडर है, उससे पहले भी हमने टर्क्स के अंडर, हमारे फोर फादर जनरेशन जो है उन्होंने उसके अंडर गुलामी हमने जो है वो स्पेंड की, तो हमारी हिस्ट्री कॉमन है। तो लेकिन क्या यही नेशन स्टेट की डेफिनेशन इतनी ही होती है? आंस्ट रैने ने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सपैंड किया है, इसका ब्रॉडर मीनिंग दिया है। तो आंस्ट रैने के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, उन्होंने क्या कहा है कि कंट्री तभी नेशन बनती है जब उस कंट्री के लोगों के पास राइट होता है यस और नो। यस और नो किस सेंस में, कि क्या वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं? अगर लोगों से पूछा जाता है कंसेंट कि दे कैन चेंज द गवर्नमेंट, इट मींस दैट कंट्री इज नेशन। तो उस सेंस में क्या हमारी कंट्री नेशन है? यस, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, हमें क्या दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स, और वोटिंग राइट्स के द्वारा हम 5 years के बाद अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्नेस्ट रैने, अब आर्नेस्ट रैने कौन थे, इसके लिए प्रॉपर आपको साइड पे पूरा बॉक्स दिया गया है इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आर्नेस्ट रैने वॉज फ्रेंच फिलोसोफर, तो ये आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, पहले आर्नेस्ट रैने के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है। फ्रेंच फिलोसोफर थे और उन्होंने कौन सी एक्सप्लेनेशन दी है, नेशन के बारे में एक डेफिनेशन दी है, और इस डेफिनेशन में उन्होंने दो मेन वर्ड्स जो है उनके बारे में, एक वर्ड उन्होंने लिखा है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या मतलब क्या हो, प्लेबिसाइट का मतलब क्या है, यस, डायरेक्ट वोट इन विच पीपल आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट एनी प्रपोजल
यानी कि जिसमें लोगों से पूछा जाता है, कोई भी प्रपोजल उनको दिया जाता है उसके लिए वो येस और नो। लाइक आपको याद है 9th क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में रेफरेंडम करवाया था कि शुड ही कंटिन्यू हिज गवर्नमेंट और नॉट, तो लोगों ने क्या कहा होगा, येस और नो ये नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, उसने अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू कर दिया। दैट वॉज नॉट अ नेशन जिसमें लोगों ने जो कहा है वो उनके सामने ही ना आए, ठीक है। तो उस टाइम पर में आप सोचो कि पाकिस्तान वॉज अ नॉट ट्रू नेशन अगर वो टर्म जो है लोगों की येस जो है वो बाहर नहीं आई, उनकी जो भी रिजल्ट्स है उनको रिजल्ट्स को जो है वो अनफेयर ट्रीटमेंट देकर उनको चेंज कर दिया, तो ऐसी कंट्री नेशन नहीं कहलाई जा सकती। नेशन इन ट्रू सेंस वही कंट्री होती है जिस कंट्री में लोगों से उनकी गवर्नमेंट को चेंज करने का जो डिसीजन है वो उनसे पूछा जाता है, प्लेबिसाइट कहते हैं उसको। एंड नेशन जो है एक और उन्होंने टर्म दिया है लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी। एक कंट्री नेशन तभी कहलाई जाती है जब वो क्या होती है, यूनाइटेड, यूनाइटेड होगी। अगर एक कंट्री में लोग अलग अलग रह रहे हैं, स्टेट्स अलग अलग हैं, तो वो नेशन नहीं बन। सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी इन लार्ज स्केल, यूनिटी इन लार्ज स्केल, यूनियन, सॉलिडेरिटी, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। सो अकॉर्डिंग टू हिम नेशन इज कॉल्ड, टर्म उन्होंने दी है दैट इट इज अ बेस्ड ऑन सेक्रीफाइस, जिसमें लोग अपने नेशन को बचाने के लिए सेक्रीफाइस देते हैं। डिवोशन होता है, डिवोशन का मतलब होता है वो अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर जाते हैं, सेक्रीफाइस देते हैं। देन इट्स एग्जिस्टेंस इज डेली प्लेबिसाइट, डेली प्लेबिसाइट का मतलब होता है लोगों से पूछा जाता है कि गवर्नमेंट, अब जरूरी नहीं है कि 5 years के बाद, इन द मीन टाइम भी पूछा जा सकता है कि जो लॉज गवर्नमेंट ने पास किए हैं वो लॉज आगे इंप्लीमेंट किए जाएं या नहीं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका प्रोटेस्ट कंटिन्यू है क्योंकि वो, उनको ये लगता है कि हमारी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं कर रही। फिर ऐसी कंट्री में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये रियल डेमोक्रेसी है जहां पे लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं किए जा रहे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ फ्रेंच रेवोल्यूशन, थर्ड पेज जो है दैट इज रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन ईयर कौन सा, 1789, 14 जुलाई 1789। इसमें दो पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर में कौन सा पैलेस जो है उसको डिमोलिश किया गया, पैलेस ऑफ बेस्टाइल। ये आपको 9th में आपको पता ही है कि वाई दिस वॉज डिमोलिश, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर्स ऑफ लुइस 16। पीपल हेटेड दिस बेस्टाइल फॉर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन लाकर, हाँ जी सहर्ष, कॉन्ट्रीब्यूशन जो था इसमें मेन है फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन कौन से जो है वो चेंजेस किए। चेंजेस मतलब हमने बताना है 1789 के बाद क्या क्या चेंजेस आए, उन चेंजेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर वन, 1789 के बाद फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को क्या कर दिया गया, अबॉलिश। टाइड, टाइल और बहुत से टैक्सेस जो थर्ड एस्टेट को देने पड़ते थे, दीज टैक्सेस वर अबॉलिश, इनको अबॉलिश कर दिया। और किसको खत्म किया, फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश। तो ये तो कुछ मेजर चेंजेस थे। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने एक नया कंसेप्ट दिया था, लॉ पेट्री, जो मेनली एमसीक्यूज में बच्चों ने गलत इसका ऑप्शन टिक किया था। लॉ पेट्री इज रिलेटेड टू फादरलैंड। फादरलैंड का मतलब है कि लिसन, लैंड इक्वल टू और का मतलब क्या है कि मोनार्की सिस्टम के टाइम पीरियड में किंगशिप, किंगशिप किसी को भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं देती है, क्योंकि दैट इज द पार्ट, दैट इज द टेरिटरी ऑफ द किंग। किंग अपनी उस टेरिटरी में किसी भी पर्सन को उस एरिया से निकाल भी सकता है, डिपोर्ट कर दिया जा सकता था पुराने टाइम पीरियड में। लेकिन 1789 के बाद लोगों को ये राइट दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जो भी उनकी लीगल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। दैट इज अ न्यू कंसेप्ट, दैट वॉज लॉ पैट्री मीन्स फादर लैंड, यानी कि उनकी जो लैंड है, उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो लैंड है वो सबकी इक्वल होनी चाहिए। कोई फर्स्ट एस्टेट, कोई सेकंड एस्टेट या कोई थर्ड एस्टेट जैसा सिस्टम जो था वो खत्म कर दिया।
सिस्टम जो था एस्टेट सिस्टम उसको प्रॉपरली खत्म कर दिया था 1789 के बाद, ठीक है, ये मेन चेंजेस थे। देन एक नया टर्म, एक और नई टर्म क्या आई, सिटोयन, CITOYEN, सिटोयन वर्ड जो है इसी से ही सिटीजन, सिटीजन कौन होते हैं, जिनकी एज 18 से ज्यादा होती है, जिनके पास गवर्नमेंट क्या देती है, राइट टू वोट, सिटोयन से वर्ड नया बना सिटीजन। तो ये टर्म उस टाइम पीरियड में 1789 के बाद बहुत फेमस हुई, और 1789 के बाद फ्रेंच सिटीजन्स जो हैं, फ्रेंच को जो लोग थे 18 इयर्स के बाद उनको क्या कहा गया, सिटीजन्स, ठीक है। देन इक्वल राइट्स वर गिवन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज तक फ्रांस में कभी नहीं हुआ था, ये रेवोल्यूशनरीज का ही कॉन्ट्रीब्यूशन था कि रेवोल्यूशन लाकर लोगों को क्या प्रोवाइड किए गए, इक्वल राइट्स, ठीक है। देन लुई 16 के टाइम पीरियड में एक पॉलिटिकल बॉडी थी, एस्टेट जर्नल, एस्टेट जर्नल जो थी दैट वाज अ जस्ट काइंड ऑफ डमी बॉडी, जिसमें कि टैक्सेशन सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस लिए जाते थे। और आपको पता है लास्ट टाइम ये एस्टेट जर्नल की मीटिंग कब बुलाई थी, 1789 से पहले, 1614 के नियर अबाउट बुलाई थी। लेकिन जब लुई 16 ने 1789 में मीटिंग बुलाई, 5 मई 1789, तब उसका नाम क्या था, एस्टेट जर्नल। लेकिन 1789 के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के बाद जब मैक्सिमम रॉबेस्पियर आया, तब इसका नाम क्या पड़ा, तब इसका नाम क्या पड़ा, कन्वेंशन, कन्वेंशन क्लब तो उसका नाम था ना, असेंबली। हाँ फिर से चलो, लुई 16 के टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल बॉडी थी उसका नाम था एस्टेट जर्नल, जिसमें कि हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था, ठीक है। उसके बाद 1789 के बाद इस सिस्टम को चेंज कर दिया, नेशनल असेंबली, पॉलिटिकल बॉडी जो है इसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। आपको पूरा चार्ट याद है ना, एक्टिव सिटीजंस, पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजंस कैन वोट फॉर इलेक्टर्स और इलेक्टर्स कैन वोट फॉर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। फिर जब मैक्सिमम रॉबेस्पियर का रूल आया, तो उसने नेशनल असेंबली का नेम रीनेम कर दिया, दैट वाज कन्वेंशन। कन्वेंशन के बाद कौन सा रूल आया फ्रांस में, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के बाद कौन सा रूल आया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। हाँ जी, लेकिन आपने ये याद रखना है कि व्हाट नेम वाज गिवन टू एस्टेट जर्नल आफ्टर 1789, क्या था, नेशनल असेंबली, ठीक है। और क्या हुआ, मार्टियर्स वर अवॉर्डेड, कमेमोरेटेड, कौन से मार्टियर्स, दोज हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ ड्यूरिंग दीज पर्टिकुलर रॉयट्स। क्योंकि उस टाइम पीरियड में 1789 के टाइम पीरियड में व्हेन मेनी पीपल दे अटैक्ड ऑन बेस्टाइल, मेनी पीपल दे अटैक्ड इन द हाउसेज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, मैनर्स, मैनर, MANOR, मैनर क्या होता है, रिच लैंडलॉर्ड्स, उनके फार्म्स एरियाज या स्टोर हाउस एरियाज में अटैक किया गया, एंड मैनी वर किल्ड ऑल्सो, और उनको शहीद यानी कि मार्टियर्स का स्टेटस दिया गया। और बाद में, यस बच्चे प्लीज, एंड द फैमिलीज ऑफ दीज मार्टियर्स वर गिवन अवार्ड। मार्टियर का मतलब होता है जिन लोगों ने रेवोल्यूशन के टाइम पर में अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया था, उनकी फैमिलीज को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाने लगी, ठीक है। देन यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो पहले नहीं था, अलग अलग एरियाज में अलग अलग होता था, तो 1789 के बाद काफी हद तक इसको कंबाइन किया गया। देन रीजनल डायलैक्ट, रीजनल डायलैक्ट का मतलब होता है अलग अलग एरियाज की जो लैंग्वेजेस होती थी उनको डिस्करेज किया गया, एंड विच लैंग्वेज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, फ्रेंच, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। वेटिंग सिस्टम, चीजों के वेट करने का जो सिस्टम होता है वो भी अलग अलग एरियाज में अलग था, तो दे इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म वेटिंग सिस्टम। यस बेटा, तो दीज वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। हाँ जी, एनी डाउट। नेक्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग द नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम मिलिट्री डिक्टेटर इन विच ईयर, 1804, बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट।
ठीक है, डायरेक्टरी रूल की हम ये कह सकते हैं कि वो भी इनकैपेबल थी, ठीक है, दे कीप ऑन क्लैशिंग विद ईच अदर, दे फाइटिंग कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर, तो इसका बेनिफिट जो है वो किसने लिया, नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में उनका सिविल कोड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सिविल कोड के आपको इम्प्लीकेशंस बतानी है, तो इसके फीचर्स क्या क्या थे। सबसे पहले ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, आप पहले ये याद रखो कि हु डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। देन ही एबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, उसने बर्थ के बेसिस के ऊपर जो भी प्रिविलेजेस अगर दिए जाते थे तो उसने हमेशा के लिए इनको एबॉलिश कर दिया, तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने इसको बहुत लाइक किया। देन ही आल्सो एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडम्स कौन होते थे बेटा आपको पता है, हु वर कॉल्ड फ्यूडम्स, फ्यूडम्स कौन थे, जो मिडल मैन थे जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए एम्प्लॉय किया गया था, ठीक है। देन ही आल्सो गेव राइट टू प्रॉपर्टी, उसे प्रॉपर्टी राइट दिया कि लोग अपने पास प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी रख सकते हैं, बेटा प्लीज आवाज नहीं है। देन ड्यूज, दो तरह के ड्यूज जो है उस टाइम पीरियड में लोगों को देने पड़ते थे, सर्फडम, ये टर्म आपने मैंने आपको करवाई हुई है लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सर्फडम एंड मैनोरियल। सर्फ कौन से लोग थे, लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर। मैनर कौन थे, रिच लैंडलॉर्ड, यानी कि उस टाइम पीरियड में सर्फडम यानी कि लेबर्स को कुछ ड्यूज देने पड़ते थे, और मैनर्स का मतलब है कुछ लैंडलॉर्ड्स को ड्यूज देने पड़ते थे, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज को क्या कर दिया, एबॉलिश। सो दैट्स व्हाई फार्मर्स, बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स, दे वर हैप्पी इन द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में बहुत खुश थे नेपोलियन के आने से। हाँ जी, क्या हो गया, ओके, रेस्ट आई विल डिस्कस टुमारो, बताओ। हाँ जी बेटा, काइंड ऑफ टैक्स जो रिच लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था, मैनर का मतलब ही क्या है, रिच लैंडलॉर्ड, उनके पास जितनी अनलिमिटेड लैंड थी उसका कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ता था।